आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का ब्रीथ चैप्टर है, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए हमने ये जो ब्रीथ चैप्टर है इसको सिलेक्ट किया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में 40 में 40 अंक ले आओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के सामने, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है। तो दोस्तों जब वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है दोस्तों, उसे 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, याद रख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त, इसमें इस तरफ से एक रेखा खींच दो, इस तरफ से एक रेखा खींच दो, ये दोस्तों समांतर रेखा होती है, दो ही समांतर रेखा होती है वृत्त में, ठीक है ना। कितना होता है? दो ही आपका समांतर रेखा होता है, ठीक है, समांतर आमने सामने जो है समान होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो क्या है कि वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लो ये एक वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु से मतलब प्रतिच्छेद करके ये चला जाएगा, दूसरे कहा जाता है आपको, क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श रेखा कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल की बात करें तो आप लोग देख सकते हो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों एक वृत्त है और इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं दोस्तों अनंत होती है। देखिए स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु से आप लोग वृत्त के एक बिंदु से टकरा कर जो चला जाता है, प्रतिच्छेद करके एक बिंदु से चला जाता है, उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो देखिए इस तरफ से आप एक खींचिएगा, इस तरफ से खींचिएगा, इस तरफ से खींचिएगा, मतलब कि अनंत होगा, अनंत किसी तरफ से आप खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एक वृत्त की स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो एक वृत्त है, एक वृत्त में समांतर रेखाएं दो ही खींचा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो क्या है, वृत्त वृत्त को नहीं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अप्रतिच्छेदी रेखा, सिंपल सा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसे अप्रतिच्छेदी रेखा ही बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग का, जो सुमुद्रन का किताब आया हुआ है उस किताब से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है छेदक रेखा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? तो दोस्तों जो स्पर्श रेखा होती है उसे वृत्त को दोस्तों एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, एक ही बिंदु पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहा जाता है। तो दोस्तों उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहलाता है, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कहलाता है। एक वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहलाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं आप लोग एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? तो आप लोग छोटे से पढ़ते आए होंगे कि व्यास होता है, ठीक है ना। क्या होता है? व्यास होता है। आप लोग नहीं हो, गलत हो गया, अच्छा 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 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुएं से पानी निकालने वाली घिरनी की आकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्तकार, ठीक है। चलिए अगला सवाल, घिरनी पर लगी रस्सी होती है, तो इसे दोस्तों स्पर्श रेखा जैसी होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो क्या है, कि वृत्त का केंद्र वृत्त के क्या होता है? तो ए नंबर का आंसर अभ्यंतर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। के स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो वृत्त है आपको समझा देते हैं, यहाँ पर देखिए गौर से देखिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। तो कह रहा है वृत्त के स्पर्श बिंदु, देखिए हमारा स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और त्रिज्या, जो त्रिज्या है इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अच्छे से बना रखा है, तो देखिए आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पर कर दिए हैं। आगे देखिए क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी, देखिए यहाँ पर बिंदु पी है तो हमने यहाँ पर पी रखा है, स्पर्श रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है, जिसे बिंदु पी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो रेखा पी क्यू केंद्र से, पी क्यू यहाँ पर है, पी क्यू केंद्र से जाने वाली रेखा क्यू को इस प्रकार मिलाती है कि ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर होगा और पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ओ है और यहाँ पर देखिए क्यू है, ये कितना सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो 12 सेंटीमीटर और तो यहाँ पर कह रहा है तो पी क्यू की लंबाई हमका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो देख सकते हो पी क्यू का मान निकालना है, तो पी क्यू बराबर होता है आपका ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में ओ पी का स्क्वायर, तो आपका निकल जाएगा पी क्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। तो देखिए ओ क्यू हमारा कितना है, तो 12 है, तो ये हमने 12 यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए हैं, 12 का स्क्वायर, और ओ पी हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से 12 को 12 से गुना करोगे तो दोस्तों 144 आएगा, ठीक है, 144 माइनस में 5 को 5 से गुना करोगे तो 25 आएगा रूट अंडर में, ठीक है। तो दोस्तों इससे जब घटाओगे तो रूट अंडर 119 आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने है, क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको होम टास्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसे जरूर से जरूर बनाइएगा और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं समझ सकूँ आप लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी है, ठीक है। कितना आंसर होगा वहीं बताइएगा। देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के बिंदु बी पर ए बी स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। बहुत ही आसान है, अगर नहीं बन पाएगा तो कमेंट में जरूर बताएगा, इसे मैं बता दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग मैं इसे होम टास्क के तौर पर दे रहा हूँ तो जरूर बताइएगा, आपको मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग का तैयारी जो है बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इसमें दो समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, ठीक है, जो इसकी बीच की जो त्रिज्या है ये हमारे यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर भी क्या होगा जोड़ जाएगा 4 + 4 तो आपका 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, तो देखिए वही सवाल है, देखिए जो मैं बता रहा था पहले जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन में, तो वहीं यहाँ पर घुमा फिरा के दे दिया है। देखिए वृत्त के एक बिंदु पर डैश स्पर्श रेखा होती है, तो दोस्तों एक बिंदु पर दोस्तों एक ही स्पर्श रेखा होती है, आप लोगों को मैं वहाँ पर भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया आपका एक बिंदु पर, ठीक है ना। उसके बाद है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है, तो लंब होती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। एक वृत्त है, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का लंब होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्या है कि किसी व्यास के सिरों के खींची गई स्पर्श रेखा डैश होती है, तो समांतर होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु को डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को दोस्तों छेदक रेखा कहते हैं, ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ। एक वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसे कहा जाता है छेदक रेखा, आप लोग को पता होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वृत्त के क्या है, एक वृत्त की डैश समांतर रेखा होती है, दो समांतर रेखा होती है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, एक वृत्त इसमें इस प्रकार से एक होगा, इस प्रकार से आप कुछ भी खींचिए, इस तरह से खींच सकते हैं तो भी दो होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहा जाता है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए स्पर्श वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहा जाता है, स्पर्श रेखा नहीं बल्कि स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है। देखिए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, आप लोग एक एक करके स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं, देखिए आप लोगों को बहुत काम देगा, ठीक है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसका पीडीएफ डाल दीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।